नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक ज्ञान पे। मैं हूँ आपका दोस्त अमन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो बहुत ही इजी वे में। ये वीडियो मैं ज़्यादातर न्यू यूट्यूबर के लिए बनाता हूँ, बिकॉज मैंने यूट्यूब पे ये नोटिस किया, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि मैं कैसे स्क्रीन रिकॉर्ड करूँ, कैसे मैं रिकॉर्ड करके एडिट करूँ। सो मैं अगली वीडियो में आपको एडिट करना सिखाऊंगा। इस वीडियो में आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डर बता रहा हूँ टॉप 5 फ्रॉम माय व्यू। मैं अपने व्यू से आपको टॉप 5 बता रहा हूँ, उनमें से मैं भी इन पांचों का इस्तेमाल करता हूँ और मैं इसका आपको प्रूफ भी दूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कैसे चलाएं, क्या क्या फीचर्स है सबका पता चले। मैं आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा दिखाऊंगा। मेरे वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आप बीच के फंक्शंस और बीच में जो मैंने किया है वो आप भूल जाएंगे। सो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो अब मैं आपको पीसी में डायरेक्ट प्रैक्टिकली पूरा दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग अपने पीसी के स्क्रीन में। सो मैं आपको टॉप 5 बताऊंगा स्क्रीन रिकॉर्डर्स, उसे डाउनलोड करके दिखाऊंगा, उसे चला के दिखाऊंगा, प्ले करके दिखाऊंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो उसको हैंडल करने में। सो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग को भी और आपके जितने भी यूट्यूबर हैं आपके जान पहचान में, उन्हें भी ये सब कुछ पता रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर को मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो हैंडल वो कर सकें। सो फर्स्ट स्क्रीन रिकॉर्डर जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, उसका नाम है एस थिंकर ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर। ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा, एस थिंकर ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर। मैं आपको इस फर्स्ट मेरा टॉपिक है एस थिंकर ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर। ये काम करता है विंडोज़ और मैक मीन्स मैकबुक एयर और विंडोज़ के। सो मैं इसको सर्च करता हूँ, डाउनलोड करके दिखाता हूँ, चला के दिखाता हूँ। सो फर्स्ट टॉपिक इज एस थिंकर ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर। लेट्स स्टार्ट इट। रोम ओपन कर लो, उसके बाद आपको लिखना है एस थिंकर। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ एस थिंकर ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर। सो मेरे यहाँ वर्ड में एक दिक्कत आ गई, मैं इसको सही कर देता हूँ। एस थिंकर ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया एस थिंकर ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर। जो फर्स्ट वन है, दिस फर्स्ट वन एस थिंकर ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर, इसको आपको क्लिक करना है इस ऑप्शन पे। नेट के हिसाब से आपका नेट जिस स्पीड से होगा उस स्पीड से ये ओपन हो जाएगा। सो मेरा नेट फास्ट है, ये ओपन हो चुका है। अब आपको जो इसके अंदर जो स्टेप आपको काम करना है, यहाँ आता है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। स्टार्ट रिकॉर्डिंग आप जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक एपीके नहीं कह सकते आप, एक्सटेंशन फाइल डाउनलोड होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये खुल गया एस थिंकर का ऑफिशियल वेबसाइट। स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करें। सो ये लॉन्चिंग आप देख सकते हैं, लॉन्चिंग आ चुका है। सो अभी ये लॉन्चिंग ले रहा है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा फुल प्रोसेस। डाउनलोड लॉन्चर पे आपको क्लिक करना है, डाउनलोड स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेप बता रहा है कि यहाँ डाउनलोड होगा, देख सकते हैं अब यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, ये लॉन्चर डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं सेम के सेम यहाँ पे आ गया है। सो मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, ये पूरा यहाँ डाउनलोड हो गया है। सो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, यहीं से मैं ओपन कर लेता हूँ, आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्री से भी ओपन कर सकते हैं। सो ये खुल गया विंडो डायलॉग मेरा, ये यहाँ पे खुल गया है, खुल रहा है, ये देख सकते हैं आप फिनिशिंग इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉल हो रहा है मेरे कंप्यूटर के अंदर। सो ये इंस्टॉल जब तक हो रहा है तब तक मैं आपको इस सब के फीचर्स बता देता हूँ। जैसे कि बहुत लोगों को मैं 5 बता रहा हूँ तो आप बहुत से लोग को ये नहीं पता चल पाएगा मेरे लिए कौन सा बेहतर है। सो मैं उन सब के लिए फीचर्स आपको बता देता हूँ। तो जो एस थिंकर है उसके प्रॉस और कॉन्स मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। ये आप देख सकते हैं अभी अपडेट ले रहा है, जब तक ये अपडेट बहुत फास्ट है, ये आपके नेट स्पीड से हिसाब से। तो मेरा नेट फास्ट है तो ये फास्टली ले रहा है, आपका नेट स्लो होगा तो स्लो लेगा, पर आप वेट कर सकते हैं बिकॉज इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। तो मैं एस थिंकर के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। एस थिंकर का जो सबसे डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये पूरा इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, मींस इंटरनेट का बहुत स्पीड में ज़रूरत है, हर काम में इंटरनेट की ज़रूरत है एस थिंकर ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर। आप देख सकते हैं अब ये इंस्टॉल हो गया है। तो अब मैं पहले ये बताता हूँ, उसके बाद आपको ये फीचर्स बताऊँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये मेरा हो गया इंस्टॉल। अब मैं आपको इसे प्ले करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर प्ले है, रिकॉर्डिंग हो रही है।
सो मैं ऐसे बंद करता हूँ। मैंने यह डाउनलोड ऐप पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लिया है। सो अगर आप सोचते हैं कि ये डाउनलोड करने के बाद नेट नहीं लेगा, तो ऐसी बात नहीं है, डाउनलोड करने के बाद भी इसका नेट का इस्तेमाल होगा। सो मेरा सजेशन, आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग करके डायरेक्ट इसको रिकॉर्ड करिए, बिकॉज इन सब में आपका टाइम वेस्ट होता है। और एक न्यू यूट्यूबर को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आपका यूट्यूब मैनेज रहे, और यूट्यूब की बहुत सारी फीचर्स भी होती हैं जो बहुत सारे लोग को नहीं पता, सो वो भी आपको मैनेज रखनी चाहिए। सो मैं अभी इस विंडो को बंद कर देता हूँ बिकॉज मेरा इतना ही। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट, जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर है उसका नाम है स्क्रीन कास्ट ओमैटिक। ये एक तरह का ऑनलाइन फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर है, इसमें कोई वाटरमार्क नहीं है, पर इसमें एक दिक्कत है कि ये जो है हार्ड टाइम यूज़र्स को नहीं देता, ये जावा इंस्टॉल्ड कंप्यूटर्स पे नहीं चलता। मींस इसका मतलब है कि ये हार्ड टाइम उन यूज़र्स को नहीं देता जिनके पास जावा इंस्टॉल्ड है अपने कंप्यूटर में। और आप इसमें से एक और इसकी डिसएडवांटेज है कि आप इसमें से सिर्फ 15 मिनट ही इस्तेमाल कर सकते हैं इसके फ्री वर्जन का, नहीं तो इसमें मनी लगता है। सो वो तो आपकी मर्ज़ी, आपको किस तरह से करना है। मैं मनी से करता हूँ, सो मेरा तो हो जाता है। हाँ, इन पांचों में मैं जो पांच आपको बताने वाला हूँ, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया इंस्टॉल करके इसका प्रोसेसिंग सिखा दिया, मैं आपको सेकेंड बता देता हूँ। सो मैं यहाँ टाइप करूँगा स्क्रीन कास्ट ओमैटिक, बात आपको सीक्रेट में बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। स्क्रीन कास्ट ओमैटिक मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। सो आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर पे ओपन करिए, स्क्रीन रिकॉर्डर सर्च हो रहा है, यहाँ पे आप लॉन्च फ्री रिकॉर्डर पे ओपन कर क्लिक करेंगे। सो इसके बाद आपका लॉन्च फ्री रिकॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, रिकॉर्डर लॉन्च, रिकॉर्डर विल अपियर इन अ सेकेंड, यहाँ लिख चुका है। सो मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, मेरे पे ये पड़ा हुआ है, मतलब मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ, सो मेरे पास ये रिकॉर्डर है। सेम प्रोसेस सब में है, आप जहाँ सोचेंगे कि मेरा ये प्रोसेस में लगेगा ये प्रोसेस में, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सेम प्रोसेस आपको हर जगह लगेगा। लॉन्च फ्री रिकॉर्डर में भी वही प्रोसेस है जो उसमें था, एस थिंकर ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर में सेम प्रोसेस है, वही लॉन्च फ्री रिकॉर्डर दोबारा से यही इंस्टॉल होगा और यही काम होने वाला है। सो मैं इसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय आपको नेक्स्ट से बता देता हूँ कि मैं नेक्स्ट किसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस स्क्रीन कास्ट ओमैटिक के कुछ अच्छे एडवांटेजेस बता सकता हूँ। इसके एडवांटेज ये हैं कि एक्टिव टेक्निकल सपोर्ट के इस्तेमाल से चलता है। सो आप अगर इसमें सोचेंगे कि कोई टूल प्रॉब्लम आए, तो ऐसी बात होगी ही नहीं, इस स्क्रीन कास्ट ओमैटिक में आपको कोई टूल प्रॉब्लम नहीं होगा। सो अब मैं आपको थर्ड अपने उस पर ले जाता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर पे। हमने दो स्क्रीन रिकॉर्डर कंप्लीट कर लिए हैं, एक बार रिमाइंड कर लीजिए, एज थिंकर ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर, स्क्रीन कास्ट ओमैटिक। नाउ हम थर्ड करने वाले हैं, उसका नाम है ओ बी एस स्टूडियो। सो बी एस स्टूडियो स्क्रीन रिकॉर्डर। सो ये आ गया OBS ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर, मैं इसको क्लिक करूँगा। ये वाला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें ओपन सोर्स नहीं है, मतलब इसमें आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो आपको यहाँ विंडोज़ पे क्लिक करना है, और सिंपली यहाँ पे जैसे पिछली बार मैंने आपको करके दिखाया था, यहाँ पे आया था एज थिंकर का जैसे इंस्टॉल, वो सिंपली ये इंस्टॉल हुआ। सो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, मैं वॉल्यूम अपना ऑन रखता हूँ। सो मैं विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं ये लिंक शुरू हो गया, ये हो गया चालू। सो जैसे ये ओवर हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस आपको मैं ओवर उनके बाद। सो मेरा तो अभी चल, तो मेरा ये हो गया OBS स्टूडियो, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। सो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर देता हूँ। सो ये ओपन हो रहा है, मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूँ, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, विंडो डायलॉग सेम जो वहाँ आया था वहाँ। सो इसमें एक है कि ये सब कुछ सेम के फीचर्स से काम करेगा, बिल्कुल सेम काम करेगा जैसे वो काम किया था। आप देख सकते हैं वेलकम टू OBS स्टूडियो, सेटअप विल गाइड द इंस्टॉलेशन ऑफ OBS स्टूडियो। ये वर्जन के हिसाब से मैंने सबसे हाई वर्जन ले रखा है, यहाँ पे लाइसेंस आ रहा है। सो अगर आपको पढ़ने की ज़रूरत है तो आप लाइसेंस पढ़ लीजिए, मैंने पहले से पढ़ रखा है। सो मैं नेक्स्ट करते जाऊँगा। ये एक ऐप है, तो मैं इसमें ऐप इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो सिस्टम की जो GB है वो पहले से फुल है, तो मैं ऐप इंस्टॉल अब नहीं कर सकता इसमें, आपको डायरेक्ट इसे इंस्टॉल करना। पर चलो मैं आपके लिए इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। सो ये इंस्टॉल हो रही है, आप देख सकते हैं इंस्टॉल वर्किंग पे है। OBS स्टूडियो की एक खास बात यह है कि OBS फास्ट है, मतलब आपके लिए एक API वर्जन है, और इसके अंदर बहुत सारे सिमिलर फैमिलियर चीज़ें हैं, जैसे लॉजिटेक, NVIDIA, XSplit और GDQ, इन सब का इसके अंदर वो है कॉम्बिनेशन। इसकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्लेक्सिबल है सभी एडवांस सेटिंग्स से, इसके अंदर सारी एडवांस सेटिंग्स हैं, आपको सब एडवांस सेटिंग मिलेगी, और ये सबसे हार्ड है आपके सभी कंपेयर्ड अदर टूल्स से, सबसे हार्ड ये आपका चलता है। सो अब मैं यहाँ फिनिश क्लिक कर रहा हूँ, लॉन्च OBS स्टूडियो। सो
चेक। आप देख सकते हैं CBS स्टूडियो मेरे डेस्कटॉप पे आ चुका है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये ओपनिंग ले रहा है। OBS इज ऑलवेज रनिंग। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पहले से मेरे पास है, चालू हो गया। सो वुड यू लाइक टू रन द ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, इफ मैनुअली कॉन्फ़िगर। मैं इसे हटाता हूँ, जिस इफ यू चेंज योर माइंड यू रन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंटर। सो देख सकते हैं इस तरह का सोर्स आ गया। बहुत सारे लोग को इसमें दिक्कत होगी, तो मैं आपको दिक्कत ना होने के लिए यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग दबाइए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, बिकॉज मुझे अभी रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, सो मैं नो कर देता हूँ। सो ये प्रोसेस था CBS स्टूडियो का। सो आपने सीख लिया होगा मेरे ख्याल से OBS स्टूडियो, ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है। मगर मैं आपको OBS स्टूडियो एक तरह का स्क्रीन रिकॉर्डर है। अब मैं आपको बता रहा हूँ फोर्थ स्क्रीन रिकॉर्डर। सो देखते देखते हमने तीन स्क्रीन रिकॉर्डर कंप्लीट कर लिए, अब फोर्थ स्क्रीन रिकॉर्डर पे हम आते हैं। सो हमारा फोर्थ स्क्रीन रिकॉर्डर है एक्टिव प्रेजेंटेटर स्क्रीन रिकॉर्डर, करेक्ट। ये भी ऐप है, सेम जो आपने उधर देखा वो यहाँ आएगा। मैं इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो। और मैं डिस्क्रिप्शन में 10 स्क्रीन रिकॉर्डर लिख दूँगा। अभी मैं 5 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, पर डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे 10 स्क्रीन रिकॉर्डर्स लिख दूँगा। और 10 के 10 मैंने इस्तेमाल कर रखे हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 10 के 10 द बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर आपके लिए। सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये भी सेम चीज़ है, एक्टिव प्रेजेंटेटर 7 डाउनलोड करेंगे, वही सेम ऐप है। यहाँ इसकी फ़ोटो, वहीं पे जाना है आपको, स्टार्ट रिकॉर्डिंग क्लिक कर देनी है। सो मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बारी, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने डाउनलोड में क्लिक कर दिया है, आई थॉट सो। सो ये आ गया डाउनलोड एक्टिव प्रेजेंटेटर। यहाँ है एक्टिव प्रेजेंटेटर 8.7, ये विंडोज़ के लिए, आप देख सकते हैं विंडोज़ के लिए है। यहाँ आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड शुरू हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, मैं डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं डाउनलोड शुरू हो चुका है, ये मेरा फास्ट हो रहा है डाउनलोड। आपका जिस तरह से उसको फटाफट आपको डाउनलोड कर लेना है। सो मैं शुरू कर देता हूँ डाउनलोड करके। मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ, सो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को पॉज या स्किप ना करें। अगर आप ये करते हैं तो आप बीच का प्रोसेस भूल जाएंगे। सो इसको अब मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ओपन, ये ओपन चालू हो गया है। सेम वहाँ जो हो रहा था विंडो डायलॉग, ओपनिंग एक्टिव प्रेजेंटेटर। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ऐप है, इसको मैंने एक बार चलाया था। सो मैं यहीं पे आपको डाल देता हूँ इंस्टॉल। सेम वही एक्सट्रैक्ट कर रहा है फाइल्स। सो मैं तब तक हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इसकी एक एडवांटेज ये है कि ये रिकॉर्ड कर सकता है फुल स्क्रीन वेबकैम विद ऑडियो, और साथ ही में ये स्क्रीनशॉट्स भी ले सकता है। और एक इसका जो है आपका डिसएडवांटेज कह सकते हैं आप, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके पास कोई भी स्क्रिप्टिंग रेफरेंस नहीं है जावास्क्रिप्ट की तरह। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग रेफरेंस है, पर इसके पास कोई भी स्क्रिप्टिंग रेफरेंस नहीं है। सो ये खुल गया मेरे ख्याल से, लेटेस्ट चेक क्या हो रहा है यहाँ पे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिनिश हो चुका है। नाउ मैं इसे बंद करता हूँ। एक्टिव प्रेजेंटर आप देख सकते हैं, एक्टिव प्रेजेंटर खुल गया है। कस्टमाइज योर लुक एंड फील, कंटिन्यू लोडिंग लाइब्रेरी। सो ये ओपन हो रहा है, मैं आपको फुल्ली ओपन करके दिखा देता हूँ। ये खुल गया। सो मैं टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं अभी ब्लैंक टेम्पलेट पे, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट हैं, आप इनमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे टेम्पलेट क्यों आ रहा है। टेम्पलेट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक तरह से आपका प्रेजेंटेशन आप बनाते होंगे पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके, सेम ये चीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पावर पॉइंट जैसा ही क्यों आ रहा है, न्यू स्लाइड लेआउट, क्या हमने पावर पॉइंट को इंस्टॉल किया है। नहीं, ये गलत बात है, हमने पावर पॉइंट को इंस्टॉल नहीं किया है। इसका काम होता है, आप अपनी जो भी आपने रिकॉर्डिंग बनाई है आप उसको लीजिए, और उसके बाद रिकॉर्ड स्क्रीन जो करते हैं उसको आप एडिट कर सकते हैं। इसमें इतना एडिट का फीचर्स है, मैंने आपको इसके एडवांटेज में बताया था कि ये बहुत ही, इसके अंदर बहुत हार्ड फीचर्स हैं। मतलब आपका सबसे बेस्ट अगर मैं मानूँ तो ये इसका है। पर ये आपको अभी मैंने ट्रायल वर्जन में दिखा रहा हूँ, इसका जो
सम आउटपुट्स विल बी वाटर मार्क। आप सोचेंगे मैंने कहाँ से बताया, यहाँ लिखा हुआ यू आर यूजिंग द फ्री और ट्रायल वर्जन। ये ट्रायल वर्जन है तो आप इसे, ट्रायल वर्जन जो होता है ये 3 घंटे में एक्सपायर हो जाता है, आप इसको दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ रिकॉर्ड स्क्रीन पर क्लिक करें, रिकॉर्ड वीडियो या रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर इमेलेशन, मेरे को रिकॉर्ड वीडियो करना है। सो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड न्यू प्रोजेक्ट फुल स्क्रीन वॉल्यूम एंड इसी तरह से ये चालू हो जाएगा। सो मैं अभी इसको ऑफ कर देता हूँ। सो मैंने आपको इतना बता दिया, 3 बता दिए, सेव चेंजेस नो। इस तरह से आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैंने मेरे ख्याल से 4 बता दिए होंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 5th एंड द लास्ट ऑफ द टुडेज वीडियो। आज के वीडियो को मैं लास्ट बताने वाला हूँ। उसका नाम है टिनी टेक स्क्रीन रिकॉर्डर। बहुत अननोन नेम है मगर बहुत अच्छी काम कर रही है, टिनी टेक स्क्रीन रिकॉर्डर। रिकॉर्डर डाउनलोड फॉर PC, आप यहीं क्लिक कर देते हैं। मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर, तो हमें डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। ये टिनी टेक के बारे में बता रहा हूँ। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आ गया कि टिनी टेक को विंडोज और दिस, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा डाउनलोड नाउ। फॉर ये विंडोज के लिए, अगर आपके पास मैक है तो आपको इसे करना है। तो मेरे पास विंडो है तो मैं डाउनलोड नाउ विंडोज पे करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे इंस्टॉल होना शुरू हो गया, इसका सेटअप इंस्टॉल हो रहा है, सेटअप इंस्टॉल शुरू हो चुका है। फास्टली मेरा सेटअप इंस्टॉल हो रहा है। सो अब हमें वेट करना है कि तब तक हमारा सेटअप इंस्टॉल होता है। तब तक के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज के। इसके डिसएडवांटेज ये कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप अपने रिकॉर्डिंग को रीस्टार्ट कर सकते हैं। और इसका जो एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ, इसे सिर्फ 4 GB रैम से स्टार्ट होने, 4 GB रैम, मतलब आप सिंपल अगर एक एंड्रॉयड फ़ोन में भी इसको आप डाउनलोड करते हैं, बढ़िया एंड्रॉयड फ़ोन का तो है नहीं, PC का है, आप सिर्फ एक टैबलेट में अगर इसको डाउनलोड करते हैं, सो मेरे ख्याल से आपका टैबलेट भी 4 GB रैम से ज़्यादा ही होगा। बिकॉज आज इस टाइम पे 4 GB रैम बहुत ही कम है। सो मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। सेम चीज़, सब में सेम प्रोसेसर, पर फिर भी मैं आपको सबका ओपन करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग को दिक्कत हो जाती है कहीं कहीं पे। स्मार्ट स्क्रीन कान भी रीच नाउट नाउ। सो मेरा इंटरनेट कनेक्शन अभी सही नहीं चल रहा है, ऑल्सो डोंट रन, मैं इसको डोंट रन करना चाहूँगा। सेम ऐप है, वही आपने जो किया वही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। सो मेरे ख्याल से मैंने आपको इसमें सारे बता दिए, 5 के 5। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके और आपके यूट्यूबर फ्रेंड्स, न्यू यूट्यूबर जो हैं, उन्हें ये मदद मिल सके। बहुत न्यू यूट्यूबर्स भी है जिन्हें ये भी नहीं पता है कि ये 3 ऐप है। सो बहुत यूनिक ऐप है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर चैनल को। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिखें तो मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, आपके प्रॉब्लम को जितना मेरे से हो सकता है दूर करके आपको दिखाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।